जल्दी कर। आई अम्मा। अरे तेरी बस छूट जाएगी और तू फिर से कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। बस आने में टाइम है अभी, और फिर आप मेरे कॉलेज को लेकर इतनी हड़बड़ी में क्यों रहती है? ताकि तू वक्त की पाबंद बने। चल। अच्छा आज से मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो रही है, तो मैं देर से लौटा करूंगी। पर अकेले कैसे लौटेगी तू? और अगर आखिरी बस छूट गई तो? हम साइकिल से आ जाऊंगी। नहीं नहीं मैत्री, मैं ऐसा करती हूँ तुझे राम अवतार जी के यहाँ ले चलती हूँ। अरे मेरे शिक्षक रहे हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं, तो अगर तुझे कभी भी देर हो जाए ना तो उनके यहीं रुक जाना। अम्मा फिर से किसी के यहाँ रहना? मैत्री मैंने कह दिया ना, अच्छे लोग हैं मतलब हैं। और देख दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी तो हैं, और मेरा ये मानना है कि अच्छे लोगों की संख्या बुरे लोगों की संख्या से कहीं ज़्यादा है, तभी तो दुनिया टिकी हुई है। फिर भी मुझे न जाने क्यों। मैत्री देख, अगर दुनिया में ना दो तीन लोग बुरे मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया ही बुरी है। तू एक बार चल के तो देख, अगर नहीं जमा तो कुछ और देख लेंगे। ठीक है चल। नमस्ते गुरुजी। अरे कस्तूरी आओ बेटी आओ। खुश रहो खुश रहो खुश रहो बेटा, बैठो बैठो। बहुत दिनों के बाद आई, कैसा चल रहा है तेरा कामकाज? आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक चल रहा है मास्टर जी। बोल कैसे आना हुआ? जी मैं एक जरूरी काम से आई हूँ। ये मेरी बेटी है मैत्री। अच्छा ये वही जो इतनी सी थी? जी, इसने यही कॉलेज में दाखिला लिया है और इसके एग्जाम्स चल रहे हैं तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी चालू हो गए हैं, तो आने जाने में शाम को थोड़ी देर हो जाती है। तो समस्या क्या है? यहीं रहे, घर तुम्हारा ही है ना? लेकिन यहाँ रहने की एक शर्त है। देखो भाई जब से मैं रिटायर हुआ हूँ ना तो मेरे घर वाले मेरी बात नहीं सुनते, कहते हैं कि आप हमें पुराने किस्से बार बार सुनाते हो, हम बोर हो जाते हैं आपकी बकवास सुनकर। तो बिटिया तुम्हें यहाँ रहना है ना तो मेरी बकवास सुनना पड़ेगी है। नहीं नहीं मास्टर जी, आप तो जो भी कहेंगे बताएंगे वो इसके भले के लिए ही होगा। सर मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ सर। सर क्लास में अकेली लड़की हूँ, लड़के सीटियाँ बजाते हैं और छेड़ते हैं सर। कौन है वो, तुम जानती हो उनको? जी सर। उनके नाम लिख कर दो। जी मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगा कि वो भी याद रखेंगे। और तुम्हें कभी कोई जरूरत हो तो मुझसे आकर मिलना। हाँ ये कृष्णा नर्मदा और रेवती अभी तक क्यों नहीं आए गौरा? हमारे जैसे आजाद नहीं है। आजाद नहीं आजाद, जहाँ में नुक्ता लगता है। एक ही बात है दीदी। एक ही बात नहीं है गौरा। देखिए उनको घर गृहस्थी किसानी खेती सब काम निपटा के आना पड़ता है, चलने लगती हैं तो सास ससुर और पति देव का हुक्म आ जाता है, वो निपटाना पड़ता है। यही तो मुश्किल है। अरे आइए आइए हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। देखिए हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हम स्त्री शिक्षा और स्वावलंबन के लिए काम करते हैं, और हमारा ये मानना है कि लड़कियों के लिए पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। आप लोग पढ़ना लिखना चाहेंगी? इस उम्र में कहाँ पढ़ाई करेंगे दीदी, हम तो समझ रहे थे कि कछु काम धंधो मिलेगा जैसे हम यहाँ आए थे, पढ़ाई लिखाई हमारे बस की बात नहीं है बहन जी। देखो पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा, और फिर अगर तुम लोग पढ़ लिख जाओगी तो नौकरी भी मिल जाएगी तुम लोगों को। हाँ कस्तूरी दीदी ने खुद शादी के बाद स्कूल में पढ़ाई शुरू की, अब देखो क्या है। देखो अगर तुम लोग मन लगाकर दिन में एक घंटा भी अध्ययन करोगे ना तो इसकी गारंटी मैं लेती हूँ कि तुम लोगों की जिंदगी सवर जाएगी। लेकिन हम कर पाएंगे दीदी? क्यों नहीं, देखो पढ़ना लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो खेती बाड़ी करना या फिर पापड़ बेलने से भी ज़्यादा आसान काम है, सिर्फ ध्यान और लगन की ज़रूरत है। ठीक है तो हम कब से शुरू करें बहन जी? अभी से, शुभ कार्य में देरी कैसी।
गौरव इन सबको ले जाओ और ब से बाजरा लिखना सिखाओ। जी चलो भाई, आओ भाई आओ। क्या बात है कृष्णा? क्या बताएं दीदी, आप ही शंकर से हमें छुटकारा दिला सकती हैं। क्या बात है, बात तो बताओ। हमारे मर्द को नंबरदार बेगार कराते हैं और बंधुआ मजदूर बनाए हुए। क्यों? हमारे ससुर ने नंबरदार से 50 रुपया उधार लिया था, वो ना चुका पाए तो नंबरदार ब्याज पे ब्याज ठोकता जा रहा दीदी, और इस वजह से हमारे मर्द को बंधक बना लिया। क्या बात कर रही हो, सिर्फ 50 रुपये के लिए? नहीं नहीं दीदी, नंबरदार कहता है कर्जा नहीं चुकाया, तुम्हारे बीवी बच्चों को भी बंधक बना लेंगे। हमारी जिंदगी तो एक कोलू की बैल की जैसी हो गई, घूमते रहो पहुंचो कहीं नहीं। इस दुष्चक्र से बचा लो दीदी, बचा लो। देखो हमारा देश अब आजाद है और कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि ये एक अपराध है। और तुम चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारे साथ जाऊंगी और उस नंबरदार से बात करूंगी। दीदी नंबरदार नाराज हो गए तो? अब डर के रहोगी तो फिर जियोगी कैसे? बहुत ये क्या कर रही हो आप, इस मुसीबत से हमें बचा लो दीदी। देखो तुम चिंता मत करो, मैं कल ही जाकर उस नंबरदार से बात करूंगी। अब तुम जाओ और पढ़ाई करो। कहाँ जा रही है तू? गांव, बस छूट गई थी। तो राम अवतार जी के यहाँ क्यों नहीं रुकी? मुझे कुछ किताबें लेनी थी। तो चल मेरे साथ। तुम जाओ। कौन था ये? मेरे साथ ही पढ़ता है, जगत सिंह नाम है। जगत सिंह हो या भगत सिंह, मैत्रेय मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम किसी लड़के के साथ आया जाया करो। अम्मा पर ये अच्छा लड़का है। मैत्रेय अच्छा हो या बुरा, अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, और आगे से अगर मैं तुम्हें किसी लड़के के साथ देखूं ना तो उसकी भी खैर नहीं और तेरी भी। अब चल। मेरे बैंक अकाउंट में कुछ पैसे तो हैं, पर इससे बात नहीं बनेगी। कर्ज ले ले। नहीं, कर्जा लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और फिर कर्जा लेने की वजह से ही तो कृष्णा के बाप को बंधुआ मजदूर बनना पड़ा। फिर इतने पैसों का इंतजाम? इंतजाम हो सकता है, अगर मैं अपनी गांव की जमीन का कुछ हिस्सा बेच दूं तो पैसे मिल जाएंगे। जमीन बेच देंगी? बेकार ही पड़ी हुई है, किसी के काम ही आ जाएगी। मैं आज ही सिरकुरा गांव के लिए निकल जाती हूँ, और तुम जरा मैत्रेय का ख्याल रखना। आप चिंता मत करिए। ठीक है, और ये फाइलें जरा घर ले जाना। चलती हूँ। आपने बुलाया सब? अरे मैत्री, तुम्हारी क्लासेस कैसी चल रही है? जी ठीक। तुम्हारी जैसी प्रतिभाशाली लड़कियों को देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। तुम्हें इस साल स्कॉलरशिप दिलवा दूंगा, तुम आराम से बीए कर लोगी। हाँ धन्यवाद सर। ऐसा नहीं, तुम्हें मिठाई खिलानी होगी। जी कल लेती आऊंगी मैं। लाने की क्या जरूरत है, तुम्हारे रूप में ही बहुत मिठास है। सर ये क्या करें आप, मैं तुम्हें पास करा दूंगा, सारे पेपर तो तुम्हारे मेरे ही पास आने हैं। सर छोड़िए। कुंभ के मेले में जो नागाओं का समूह होता है ना, सबसे पहला अधिकार नदी पे नहाने का उनका होता है, और वही सबसे पहले जाते भी हैं सुबह सुबह एकदम तड़के 5 बजे। मगर उनके लिए तो इतना मैत्री, क्या हो गया तुम्हें? बोलो मैत्री क्या हुआ, क्या तुम्हें घबराई हुई क्यों? प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल ने क्या किया? उसने मेरे साथ क्या गंदे गंदे हरकत करने की कोशिश की। क्या हुआ इसको? अरे वो प्रिंसिपल का बच्चा, उसने सतनाम और लल्ला को सिर्फ इसलिए निकाल दिया था कि उन्होंने सीटी बजाई थी, खुद उसने आज इसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। उसकी इतनी हिम्मत, छोड़ेगा नहीं उसको। चलो सर। चलो।
हूँ मैं तुझे छोड़ देता हूँ। प्रिंसिपल, हाय हाय, प्रिंसिपल, हाय हाय, प्रिंसिपल, हाय हाय, प्रिंसिपल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रिंसिपल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रिंसिपल, हाय हाय, प्रिंसिपल, बंद करो ये नारेबाजी। तुम सब यहाँ पढ़ने लिखने आए हो, ये कोई राजनीति का प्रांगण नहीं, विद्यालय है, विद्या का मंदिर। हमें मालूम है माताजी, इसीलिए तो विद्या के मंदिर को अपवित्र करने वाले को बेनकाब करने आए हैं, चाहे हमारी जान ही क्यों न जाए। देखिए आप लोग भूख हड़ताल बंद कर दीजिए, प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि वो रजिस्ट्रेशन वापस ले लेंगे अगर। अगर क्या? अगर आप उनसे माफी मांग लें तो। कभी नहीं, माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए और वो भी सारे कॉलेज के सामने। मैत्रेय क्या बदतमीजी है ये, जब वो झुकने के लिए तैयार है तो अगर तुम थोड़ा सा झुक जाओगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। अगर उन्होंने तुम्हें इस कॉलेज से निकाल दिया ना तो मेरे सारे अरमान और सारे सपने चूर हो जाएंगे और तुम्हारा साल बर्बाद होगा वो अलग। लेकिन चाची। लेकिन वेकिन कुछ नहीं बेटा, मैं तुम सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ, पहले पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बन जाओ फिर जो चाहे करो। देखो शिक्षित होने के लिए जिंदगी में थोड़ा सा अपमान सहना पड़ता है। तो क्या हम अपना आंदोलन वापस ले लें? हाँ, अभी इसी दम बंद करो ये हड़ताल और तुम सब सब कुछ भूल कर कल से ही क्लास जाओ। देखो पढ़ाई में एक दिन का नुकसान भी आदमी को जिंदगी में बहुत पीछे छोड़ देता है। और आप जाकर प्रिंसिपल साहब से कह दीजिए कि मैत्रेय ने हड़ताल वापस ले ली है। चल मैत्रेय घर चल। अरे मैत्रेय क्या बात है, तुम खाना नहीं खा रही हो? नहीं मैं आज खाना लाई नहीं हूँ, और फिर अम्मा को जल्दी थी तो वो बना नहीं पाई और मुझे होमवर्क कंप्लीट करना था। माफ करना आज मेरा भी खाना खत्म हो गया, लेकिन कल से तुम्हें अपने खाने के लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लेता आऊंगा। मैं जान सकती हूँ क्यों? अगर तुम्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए तो मुझे पहले मेरे सवालों का जवाब दो। पूछो। मैं तुम्हें कैसा लगता हूं? अच्छे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, मैं हमेशा साथ निभाऊंगा तुम्हारा, मैं तुम्हारा हाथ थाम सकता हूं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए शिवदयाल। मैंने तुम्हारे लिए एक पत्र लिखा है, तुम चाहो तो जवाब देना। मेरी क्लास है, मुझे जाना है। प्रियतमा मैत्रेयी, गहरे उतरती चली जा रही है तुम्हारे हृदय की मधु भावना। बूंद सी जिंदगी है दिखी सिंधु में, एक दिन है समाना अमर बिंदु में। हर्ष की गूंज से पूर्ण करती हृदय जागृत क्षणों की मधुर कल्पना। तुम्हारा शिवदयाल। कविता अच्छी लगी, उतनी ही जितनी तुम अच्छे हो। मैं तो कविता लिखना जानती नहीं, जय शंकर प्रसाद जी की चंद पंक्तियां भेज रही हूं।
मधुरा का मुस्काई थी, पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको, मैत्री के लिए अब लड़का देखना शुरू कर कस्तूरी। नहीं नहीं मास्टर जी, इसे बीए तो पास कर लेने दीजिए, और वैसे भी ब्राह्मणों में कहाँ पढ़े लिखे लड़के मिलते हैं। भाई बिटिया में बड़ा दमखम है, हम तो चाहते हैं कि इसका विवाह जाट अहीरों में कर दें, ब्राह्मणों में इसका निवाह कैसे होगा? क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना? नहीं नहीं मास्टर जी, मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। इसके पिता के गाँव वालों को क्या मुँह दिखाऊंगी मैं, जब वो पूछेंगे कि बिटिया को कहाँ डाल दिया तो क्या जवाब दूंगी मैं उनको? न जाने कब चाहे अनचाहे शिवदयाल के साथ प्रेम की एक अद्भुत दुनिया में रहने लगी थी। नोट्स लेने देने के बहाने प्रेम पत्रों का सिलसिला शुरू हुआ। 6 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन उसने अचानक ही कहा, बताओ ना क्या जवाब है तुम्हारा, बीए करने के बाद तुम उससे ब्याह करोगी? मेरी माँ वो। अम्मा जी, मतलब उन्हें कोई एतराज? बुरा मत मानना, पर क्या मैं तुम्हारी जात जान सकती हूँ? ब्राह्मण कह दूं तो बात बन जाएगी? कह दूं का क्या मतलब हुआ, तुम ब्राह्मण नहीं? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा और ना ही अपनी जात छुपाऊंगा। मैं कुर्मी हूं, लेकिन हमारा तो प्रेम विवाह होगा ना, और प्रेम तो जात पात के बंधनों से ऊपर होता है। हमारे यहाँ प्रेम विवाह अच्छा नहीं माना जाता। अम्मा तो प्रगतिशील विचारों की है, पर गांव पिछड़ा हुआ है, उनको समझाना इतना। फिर तुमने प्रेम किया ही क्यों मैत्रेयी? क्यों किया प्रेम तुमने? और फिर सोचो, क्या तुम वो सारे काम कर सकती हो जो तुम्हारे गांव वाले चाहें? अरे मेरे पिताजी ने भी मुझ पर बहुत जोर डाला विवाह के लिए, लेकिन मैं नहीं माना, मैं टालता रहा उनकी बात, क्योंकि मेरी निगाह में तुम थी, सिर्फ तुम मैत्रेयी। ठीक, कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहो और तुम्हारे गांव वाले। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना, और आज के बाद मुझे याद मत करना कभी। इसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाना। और शिवदयाल चला गया मेरी जिंदगी से बहुत दूर। फिर पता चला उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। बाद में मालूम हुआ चीन से युद्ध में फ्रंट पे वो भी लड़ने गया था। मैं घंटों रेडियो पे युद्ध के समाचार सुनती और उसका कोई पता नहीं चला। एक बार फिर तन्हा हो गई।